जय हिंद। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से सूचनाएं आई हैं तीन चार आपके लिए, और ये सभी सूचनाएं 21 दिसंबर के आसपास वेबसाइट पर आई हैं, क्योंकि इग्नू में कुछ कोर्सेज के लिए फॉर्म निकाले गए थे जिसकी अप्लाई करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसके अलावा कुछ और नए अपडेट भी आए हैं, उसी को लेकर आपसे बातचीत करनी है। सबसे पहला कि यदि आप BSc नर्सिंग, BEd और PhD के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट को 4 से 5 दिन तक और बढ़ा दिया गया है, तो अब आप आवेदन कर सकते हैं 25 दिसंबर 2022 की मध्य रात्रि तक। इन तीनों ही कोर्सेज में जो भी आपकी योग्यता हो उसके अनुसार इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और बात, PhD के बच्चों के लिए एक सूचना ये भी है कि जो भी बच्चे PhD के लिए आवेदन करेंगे उन सभी को प्रवेश परीक्षा देने के लिए इग्नू आने की ज़रूरत नहीं है। इग्नू के द्वारा अलग अलग स्टेट में उनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो वहां जाकर ही आपको अपनी प्रवेश परीक्षा देनी है। 109 केंद्र बनाए गए हैं, कुछ केंद्र दिल्ली में भी है, यानी कि भारत के लगभग सभी राज्यों में हैं इसके केंद्र, इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल दिल्ली ही नहीं, दिल्ली में कुछ केंद्र है, जैसे कि मैं बता देता हूं, केंद्र की लिस्ट दी गई है पेज नंबर 7 पे प्रोस्पेक्टर में। नांगलोई, जनकपुरी, इंद्रप्रस्थ और क्या है, हाँ यही केंद्र है दिल्ली में 3-4 इग्नू के, ठीक है, जहां PhD की प्रवेश परीक्षा होगी। एक और सवाल आया था कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगा। लास्ट इन्फॉर्मेशन के अनुसार 8 जनवरी 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट को रखा गया था, लेकिन अप्लाई करने की डेट को आगे बढ़ाया है 4 से 5 दिन तक, तो हो सकता है एंट्रेंस की डेट आगे बढ़े, लेकिन अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है एंट्रेंस की डेट को एक्सटेंड होने का, तो आप लोग 8 जनवरी 2022 ही प्रवेश परीक्षा की डेट मानिएगा। एक और बात कि प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए जो नंबर या मेरिट मांगी गई थी परसेंटेज की, वो है 50% की। यदि आप प्रवेश परीक्षा में 50% नंबर लेकर आते हैं तो आप प्रवेश परीक्षा से उत्तीर्ण समझे जाएंगे, और यदि आप SC ST OBC EWS और PWD कैटेगरी में हैं तो आपको 45% नंबर लाने होंगे। यदि आपको आवेदन करना है PhD के लिए तो आपका PG में 55% नंबर होने चाहिए, और यदि आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS और PWD हैं तो आपका PG में 50% नंबर होना चाहिए। यदि आप अपने PG के अंतिम सेमेस्टर या फाइनल ईयर में हैं और आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन अपने फोर्थ सेम या फिर सेकेंड ईयर की परीक्षाएं दे चुके हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आपका PG किसी भी विश्वविद्यालय से हो, चाहे दिल्ली से हो, दिल्ली के बाहर से हो, किसी भी माध्यम से हो, रेगुलर हो, डिस्टेंस से हो, पार्ट टाइम से हो, फुल टाइम भी हो, सभी स्थिति में आप आवेदन कर सकते हैं PhD के लिए भी और BSc नर्सिंग के लिए भी। BEd वाला थोड़ा नॉर्म से उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा आवेदन करने के लिए, ठीक है। यही सूचना थी इग्नू की तरफ से। आपको सूचना कैसी लगी जरूर बताइएगा, कोई समस्या सवाल हो तो बताइएगा। 2 सवाल और है जिसके जवाब देने के बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। पहला है कि जो इग्नू की प्रवेश परीक्षा है उसका माध्यम क्या रहेगा। इग्नू की प्रवेश परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहेगा, हिंदी विषय को छोड़कर, ठीक है। इग्नू की जो प्रवेश परीक्षा है वह हिंदी माध्यम में नहीं बल्कि अंग्रेजी माध्यम में करवाई जाएगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और दूसरा, जो बच्चे लैंग्वेज के हैं, जो बच्चे लैंग्वेज के हैं उनकी प्रवेश परीक्षाएं उन्हीं की लैंग्वेज में होंगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज से मतलब मेरा हिंदी से है, ठीक है, हिंदी की प्रवेश परीक्षा हिंदी में होगी। इसके अलावा जो भी विषय हैं उनकी प्रवेश परीक्षाएं अंग्रेजी में होगी, पेपर MCQ माध्यम से आएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और अप्लाई करते वक्त हो सकता है आप लोगों से सिनॉप्सिस भी मांगा जाए, और यदि आपसे सिनॉप्सिस मांगा जाता है तो दे दीजिएगा, लगा दीजिएगा, इंग्लिश माध्यम में ही लगाना है। सिनॉप्सिस भी इंग्लिश माध्यम में रहेगा, इंटरव्यू भी इंग्लिश माध्यम में रहेगा, पढ़ाई लिखाई का माध्यम भी इंग्लिश माध्यम में रहेगा हिंदी विषय को छोड़कर, इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्रवेश परीक्षा के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 से 4 दिन पहले एग्जाम की डेट से आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा वेबसाइट पर, और इग्नू के पुराने क्वेश्चन पेपर आपको कहां से मिलेंगे, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए वेट करिएगा अगले वीडियो का, जो कि 24 से 25 दिसंबर की रात्रि के आसपास आपको प्राप्त हो जाएगा। आपने अपना समय दिया, पुनः उस सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, सलाम है, और अपने सुझाव, अपने डाउट, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आगे बात करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की जय हिंद।